बहुत देर तक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत देर तक रुका रहा हूँ और यही सब चीज़ें देखता रहा हूँ। बहुत ही गजब की जगह है ये, और ये चलाल ट्रैक के बीच में है, यानी कसोल से चलाल ट्रैक जाते हैं तो बीच रास्ते में ये मिलता है। बहुत ही गजब की लोकेशन। ये पूरा ट्रैक है और ट्रैक के साइड में रिवर है, काफ़ी तेज़ बहाव है इधर पानी का, आवाज़ आपको आ रही होगी पानी की। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, इतना सुंदर कि मैं शायद बयां भी नहीं कर सकता हूँ, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पानी एकदम दूध की तरह बह रहा है इधर, दूध की तरह। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। इधर जो पानी का साउंड है आप सुन रहे होंगे, ये पहाड़ी खेत, छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे खेत हैं। और ये एक पहाड़ी घर है, यहाँ पे कुछ लोगों के कपड़े सूख रहे हैं। और ये पार्वती रिवर, मैं पार्वती रिवर की साइड में ही जा रहा हूँ। क्या नज़ारा है, माय गॉड, ओह, बहुत सुंदर दृश्य। मेरे पीछे का दृश्य देख रहे हैं आप, पानी एकदम व्हाइट कलर का है, सफेद रंग का, और ये है चलाल ट्रैक। मतलब बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही अब तक कसोल से लेकर चलाल ट्रैक की। और जो साउंड आ रहा है ये तो बहुत ही मैसमराइजिंग है, मेरे को काफ़ी इम्प्रेस किया इसने। मैं काफ़ी देर से यहीं पे बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए। और पानी पैरों में भी बहुत ठंडा पानी है, जो पहाड़ों में से जो बर्फ़ पिघल के आ रही है वो सब इसी रास्ते से होकर के ब्यास नदी में जा रही है। ये पार्वती रिवर है जो कि एकदम वाइट कलर की है, यहाँ पे एकदम दूध की तरह सफ़ेद। मतलब ऐसे नज़ारे मैंने बहुत ही रेयर देखे अपनी लाइफ में, एक बार कश्मीर में देखे थे और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में। बहुत ही गजब का दृश्य। हेलो गाइस, तो आज मैंने यहाँ पे चलाल ट्रैक में जो कैंप्स पड़े, मतलब बीच में जो मिलते हैं, जो इतने सारे कैंप्स जो आप देख रहे हैं वीडियो में, तो इन कैंप्स में मैंने रुकने का फ़ैसला किया है।
तो आज मैं यहीं पे रुकूंगा, यहीं पे स्टे करूंगा। मेरा कैंप जो है वो है ये, इस पर लिखा हुआ है टेंट नंबर 7। और अंदर से दिखाता हूँ आपको कुछ कैसा दिखता है। अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें ये सोने का बंदोबस्त, ये मेरा बैग, तो ये मेरा कैंप है। अंदर से ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है और कैंप कुछ ऐसा है। अंदर से ये साइड विंडोज़ हैं कैंप की, और ये बेड, और ये चार्जिंग पॉइंट्स चार्ज करने के लिए। और काफ़ी बड़ा कैंप है, अच्छा है, तो नाइट में स्टे कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा है। प्राइस भी रिजनेबल है, 600 रुपये चार्ज किया गया है इस टेंट के लिए, जो कि ठीक ठाक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल नदी के पास में है, नदी बिल्कुल पास में ही है, तो आप चाहो तो नदी के पास में भी जाकर के नज़ारा देख सकते हो या इन्जॉयमेंट कर सकते हो। और रात में यहाँ पे बोन फायर होता है, तो बोन फायर का भी इन्जॉयमेंट मज़ा ले सकते हो, इन्जॉयमेंट कर सकते हो। और खाना भी यहीं पे अवेलेबल है, आप चाहो तो इंडियन, इटालियन या फिर इजरायली खाना अगर खाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये बेस्ट ऑप्शन है, आप यहाँ रुक सकते हैं। बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। शहरों में रुकने से अच्छा है कि आप किसी रूरल एरिया में या फिर किसी नदी के किनारे रुकना, मैं तो ज़्यादा पसंद करता हूँ। बतवा कि हो सकता है आपकी चॉइस अलग हो, तो मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ पे देखता हूँ क्या रात को कैसी नींद आती है, क्या है। वैसे पानी की आवाज़ ज़रूर आएगी रात भर, ये इसमें बहुत अच्छा फीचर है इस कैंप का, मतलब इस जगह का, इस लोकेशन का। पानी की आवाज़ साउंड जो आता रहेगा हर बार, हर पल, तो ओवरऑल अच्छा है मेरा एक्सपीरियंस। नदी के बिल्कुल पास में है, दिखाता हूँ यहाँ से नदी कैसी है, कितनी दूर है। ये कोई ओल्ड बाइक पुराने टाइप की, यहाँ पे ये खाना वाना खाने के लिए इधर, एक रेस्टोरेंट टाइप है इधर खाना वाना खाने के लिए या बैठने के लिए भी। और इधर साइड में नदी, यहाँ पर रात में बोन फायर भी होता है। ये इसके बैक का जो एरिया है टेंट के, ये वाला है। खाना कितने बजे बनता है, आप ही बनाते हो, कितने बजे बनाते हो? अच्छा रात में यहाँ बोन फायर होता है, लोग आग वगैरह जलाते हैं, हैं रात को बैठते हैं। कहाँ से हो आप? नेपाल से। नेपाल, ठीक। हाँ। ये किचन, किचन में जा सकता हूँ अंदर? इस किचन यहाँ पे खाना वाना बनता है इधर, मैं बता देता हूँ। ये किचन है, रसोई है, टेंट्स में जो लोग रुके हुए हैं उनके लिए खाना यहाँ से बनता है यहाँ पे। और नदी, यहाँ पे रात में बोन फायर होता है इधर, कुछ लोगों ने किया हुआ होगा आज या कल रात में, कल रात को यहाँ पे बोन फायर हुआ होगा, तो उन्होंने सीट्स वगैरह लगाई हुई हैं। और वो सामने नदी, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी अभी मैंने चेकआउट कर दिया कैंप से, और इस प्रॉपर्टी का नाम था ओम हिमालयन कैंप्स।
जो कि कसोल से हम जब छलाल ट्रैक की तरफ जाते हैं तब बीच में पड़ता है। तो मैंने आज रात में यहीं स्टे किया था और अब मैं फिर से बैक कसोल जा रहा हूँ, फिर वहाँ के बाद देखूँगा कहाँ जाना है। धूप निकल रही है, काफ़ी अच्छा मौसम है लेकिन ठंड उतनी है। रात भर नदी के पानी की आवाज़ आती रही और नींद भी काफ़ी अच्छी आई, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर रुक करके। तो मैंने यहाँ पर 600 पे किए वन नाइट के लिए, जो कि मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगे। जो भी आपको फील आ रहा है छलाल ट्रैक देखते हुए, जो भी आप महसूस कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और मुझे बताएं कैसी लगी आपकी ये वीडियो, कैसा लगा छलाल ट्रैक और ये पार्वती रिवर थी क्या, कैसी लगी पार्वती रिवर, कैसा उसका वाटर का फ्लो, सब कुछ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। और आगे आने वाले टाइम में मैं और भी अच्छे अच्छे ट्रैक करूँगा।